इंद्री के बाजार फार्म हाउस में पहुंचने पर विधायक नैना सिंह चौटाला और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शीला भयान का जोरदार स्वागत किया गया। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हुई नैना चौटाला को स्टेज तक ले गई। डवाली की विधायक नैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था के मामले में हरियाणा की भाजपा सरकार पूरी तरह से नकारा साबित हुई है और लगातार महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हुई है। नैना चौटाला ने कहा कि हरी चुनरी चौपाल का यह 11 पायदान है शुरू किया। इस कड़ी में हम आज इंद्री पहुंचे हैं। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं से रूबरू होकर उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो की एक अच्छी पोजीशन है। इनेलो बसपा का जो गठबंधन है एक मजबूत गठबंधन है। दोनों मिलकर इस प्रदेश में है सरकार बनाएंगे। हरियाणा में इनेलो की सरकार बनी तो केवल और केवल ओम प्रकाश चौटाला ही मुख्यमंत्री होंगे। जो टिकट मिले उसमें माताओं की भागीदारी ज्यादा हो, बहनों की भागीदारी ज्यादा हो, क्योंकि जब तक हम महिलाओं को आगे लेकर नहीं आएंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि माताओं और बहनों का देश के विकास में अहम योगदान है। और मैं ये एक बात मैं अपनी तरफ से करके जा रही हूँ आप लोगों से, मैं ये कहूँगी कि जितने भी ये योजनाएं सरकार आने पर लागू होगी उन योजनाओं में एक योजना सरकार बनने पर मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगी कि हर महिलाओं के लिए हरी चुनरी का चौपाल है। ये 11वां पायदान है हमारा। हमने जुगलान से शुरू किया था, आज इंद्री हम पहुंच गए इसको करते करते। मेरा मेन मकसद है हरी चुनरी का चौपाल महिलाओं से रूबरू होना, महिलाओं को जागरूक करना। आज महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। आप ये देखो कि खट्टर सरकार में कितने ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं। आप खुद मीडिया के भाई तो खुद गवाह है इस चीज को। आप लोगों ने इसको इतने जोर शोर से मीडिया में उठाया तभी थोड़ा सा कुछ लोग जागरूक हुए कि अपनी बहनों की रक्षा खुद ही कर लो भैया, सरकार ने तो कुछ करना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए महिलाओं को जागरूक करना और उनको उनके अधिकार दिलवाना। महिलाओं की बहुत अच्छी पोजीशन है, हम लोग सरकार बनाएंगे, आप लोग भी यही होंगे, हम लोग भी यही होंगे। और इनेलो बसपा का गठबंधन बहुत मजबूत है और दोनों गठबंधन की सरकार बनी। सीएम सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला जी है, बाकी कोई सीएम पद का उम्मीदवार नहीं है। देखो ये सिर्फ सिर्फ लोगों के मन की धारणाएं है और ये कौन फैला रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कांग्रेस सर, वो भी मिस्टर हुड्डा फैला रहे हैं ये बातें। हमारे परिवार में कोई मतभेद नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद आपके सामने खड़ी हूँ और आप इस चीज का पता लगा लो। और कोई भतीजा बात नहीं है, जब तक चौटाला साहब है ना ये परिवार आपको ऐसे ही इकट्ठा मिलेगा हमेशा। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।